हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा की बहू कोमल शर्मा नगर परिषद कांगड़ा की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए आज नगर परिषद के कार्यालय में हुई बैठक में सभी सदस्यों की मौजूदगी में उनका चयन किया गया। वहीं कोमल ने अध्यक्ष पद पर चुने जाने के साथ ही कहा कि पंडित बालकृष्ण शर्मा ने जो रास्ता कांगड़ा को दिखाया था, वे भी उसी रास्ते पर चलते हुए कांगड़ा को आगे ले जाने का काम करेंगी। घर में जो मैंने मेरे ससुर पंडित बालकृष्ण जी को जैसे देखा है काम करते हुए, सुमन जी ने तो हमेशा ही उनकी इतनी तारीफ करी है, ये बोलते हैं कि हमने भी उन्हीं से सीखा सब कुछ, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। तो जो उनका काम करने का जो तरीका था, जैसे वो काम करते थे, मैं भी वैसे ही कोशिश करूँगी कि उसी तरह से काम कर पाऊँ और इनको कोई शिकायत ना हो कि सारे वार्ड में बराबर काम नहीं हो रहा है। हम सभी देखो एक मत हम लोग अभी आज हुए हैं, अगर तो उसका फिर काम भी वैसे ही होने चाहिए। तो मेरे रोल मॉडल तो मेरे पंडित बालकृष्ण जी मेरे साथ नहीं है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूंगी। मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं जोड़ेंगे, किसी भी नहीं, कोशिश पूरी रहेगी। पंडित बालकृष्ण शर्मा वर्षों तक कांगड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पत्नी उर्मिल शर्मा भी अध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं। अब उनकी बहू इस पद पर सुशोभित हुई हैं। कोमल श्री बालाजी अस्पताल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कांगड़ा के CMD डॉक्टर राजेश शर्मा की पत्नी हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।